दो अच्छी चीजें भी साथ में नुकसान करती है। आज इसी रिलेटेड बात करेंगे कि अंडे के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं लोग, और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपडेट कर देते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे फूड कॉम्बिनेशन वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर आप भी एक पल के लिए सोचेंगे कि क्या इसे खा सकते हैं। कई वीडियोस में तरह तरह के फूड कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये ना सिर्फ बॉडी के लिए खतरनाक है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। अंडे में प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन अगर आप इसे किसी भी ऐसे चीजों के साथ खा लेते हैं तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अंडे के साथ किन चीजों को नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले है अंडा और चीनी। अगर आप अंडे के साथ चीनी से बनी फूड आइटम्स या मीठा चीज खाते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। जब अंडे और मीठा चीज दोनों को साथ में खाया जाता है तो इससे अमीनो एसिड बनता है, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक बनता है। इसके कारण ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। अंडा और केला। कई लोग ब्रेकफास्ट में अंडा के साथ केला खाते हैं, लेकिन इन दोनों को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, वहीं केले में पोटेशियम। दोनों को साथ में खाने से पेट भरा भरा सा लगता है और फिर अजीबोगरीब फीलिंग आती है। अंडा और चाय। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह अंडा खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों को साथ में खाने से पेट में गड़बड़ी और डाइजेशन भी खराब हो सकती है। अंडे को अगर कैफीन के साथ लेंगे तो ये प्रोटीन की वैल्यू कम कर देता है, साथ ही खाने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। अंडा और मटन। अंडा और मटन को साथ में नहीं खाना चाहिए। ये फूड कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन और मटन में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी और डाइजेशन के लिए सही नहीं है। इसे साथ में खाने के बाद आपको सुस्ती और थकावट भी हो सकती है, इसलिए अंडा को कभी भी मटन के साथ नहीं खाना चाहिए।